नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम। स्वागत है आपका NI 24/7 न्यूज में। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्री राधा रानी की नगरी बरसाना में निकाली गई महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा। राजपूत जिसमें की राजपूतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं काली माई की एक झांकी को आरंभ किया गया। बरसाना के वरिष्ठ नागरिक व राजपूत महासभा के अध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एक तरफ काफी जोरों से पूरे बरसाने में महाराणा प्रताप की जयकारों की कस्बा बरसाना में गूंज सुनाई दी, वहीं एक तरफ रात्रि को करीब 11 बजे से भव्य रसिया दंगल का प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें कि एक पार्टी कमाई की वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी बेटमा की पार्टी के बीच हुई कड़ी टक्कर। काफी दूर दराज से आए लोगों में भारी उत्साह देखने को नजर आया। वहीं बरसाना थाना अध्यक्ष सुनील कुमार तोमर जी में फोर्स के साथ पूरे कस्बे में मौजूद रहे। वहीं भाजपा जनता युवा मोर्चा के नगर महामंत्री रणवीर सिंह, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र पदम फौजी, संजय वकील बिहारी ठाकुर, गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वह कमेटी के पदाधिकारी भी राजपूतों ने काफी देर तक अपना राजपूताना का परचम रहलाया। ये जो बरसाना में शोभा यात्रा निकल रही है, ये इसका कोई महत्व उद्देश्य है कोई? ये महाराणा प्रताप की जयंती 468वीं, क्योंकि आप भली बात ही जानते हो कि महाराणा प्रताप ने जो राष्ट्र अपने देश के लिए जो लड़ाई लड़ी मुस्लिम और उन शासकों से, और अपने कर्तव्य के लिए, क्योंकि अकबर का एक वो संदेश था महाराणा प्रताप के लिए, क्योंकि उसने सब जगह जगह जीत कर ली थी। सिर्फ ये उसको अकबर का एक संदेश था महाराणा प्रताप के लिए कि महाराणा प्रताप एक बार मेरे पास जगह आकर के झुक जाए तो आधा हिंदुस्तान उसको राज के लिए दे दूंगा। परंतु महाराणा प्रताप ने वो स्वीकार नहीं किया। अपनी आन और बान और शान के लिए वो, और राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए जगह आखिरी सांस तक वो लड़ाई लड़े। मेरा तो यही है कि शोभा यात्रा का इसके साथ साथ ही संदेश है कि आज के दिन जो क्षत्रिय राजपूत सभा के और क्षत्रिय हैं और भी अपने समाज के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो नशे में और उसमें जो कृत्यों में डूबे हुए हैं, और वे उस नशे से दूर होकर के राष्ट्र समाज के लिए समर्पित होकर के सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। बरसाने से राघव शर्मा की रिपोर्ट।